झारखंड राज्य के बोकारो धनबाद से भाषा व खतियान के आधार पर स्थानीय व नियोजन नीति की मांग का संघर्ष अब हजारीबाग जिले में भी जोर पकड़ने लगी है। इसी मांग को लेकर जिले के बड़का गांव में बड़का गांव विधानसभा स्तरीय झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का गठन मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया एवं संचालन लेखक विपिन कुमार के द्वारा किया गया। साथ ही झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एवं लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने व जन जन की भागीदारी के लिए एवं युवाओं को जागरूक करने के लिए समिति का विस्तार किया गया, जिसमें संरक्षक विपिन कुमार, अध्यक्ष मिथिलेश कुमार, उपाध्यक्ष किशोर कुमार, सचिव शशि महतो, सह सचिव वंशीधर पटेल, कोषाध्यक्ष सोनू इराकी, उप कोषाध्यक्ष अवधेश कुमार, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार का चयन किया गया। वहीं कार्यकारी सदस्य कुंवर प्रजापति, बबलू प्रजापति, विक्की करमाली, संदीप कुमार विश्वकर्मा, हेम नारायण कुमार आदि दर्जनों से अधिक सदस्यों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चयन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने बताया कि झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं महिलाओं को जागरूक कर अपनी माटी सभ्यता संस्कृति के लिए 1932 का खतियान के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति व नियोजन नीति लागू करवाने के लिए संवैधानिक तरीके से ये समिति संघर्ष करेगी। आगे विपिन कुमार ने कहा कि 1932 खतियान की लड़ाई में हम सभी को आगे आना है। ये लड़ाई किसी खास धर्म और पार्टी की नहीं, ये लड़ाई हम सभी झारखंडियों की है। आगे सभा को संबोधित करते हुए कार्यकारिणी सदस्य विक्की करमाली ने कहा कि अगर ये 1932 की खतियान नीति लागू हो जाती है तो चाहे अधिकारी हो या चपरासी उस कुर्सी पर बैठेगा, आदिवासी मूल निवासी। हजारीबाग ब्यूरो मुकेश कुमार के साथ शिव नारायण की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम सभे के खतियानी जोहार बोलो ये, और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जयरामदा के संयोजक लगे और काम पुकारो और धनबाद से जे भाषा के और खतियान के लेके जो उलगुलान शुरू होले है ओकरा हमें बड़का गांव में घर घर पहुंचावे का काम करब और घर घर के छात्र माए काकी दादा दादी दादा भौजी सबके जागरूक करब कि अपन ये हक और अधिकार के लड़ाई लगाए। अगर हमें अपन हक और अधिकार के लड़ाई नहीं लड़ पाए तो आवे वाला समय में हमें के बाल बच्चा हमें के पीढ़ी सब गुलाम की ओर बढ़ते पूंजीपति के गुलाम। 1932 का खतियान लागू कराने के लिए झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की रणनीति क्या होगी? डोर टू डोर कैंपेन, सबसे पहले की बड़का गांव आंदोलन क्षेत्र में लगे, लेकिन हम इनके एकरा 21वीं सदी में हम इन एकरा आंदोलन के क्षेत्र बनेब और इतना ही मतलब पुरजोर तरीके से बनेब कि मतलब गांव गांव कस्बा कस्बा मोहल्ला मोहल्ला सबको एकर लिए काम करे के एकदम मजबूर हो जाए, इच्छुक हो जाए कि हमारे हक अधिकार करे। लड़बे तो लड़बे चाहे सरकार से 1932 के खतियान के मांग कहने लड़ की कहने लिए। 1932 खतियान को लेकर के आंदोलन छिड़ चुका है तो हम चाहते थे कि यहां से भी हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार के लोग इस खतियान संघर्ष समिति से जुड़े और यहां से भी एक आंदोलन होना चाहिए था, इसीलिए आज इसका गठन किया गया है। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति बड़कागांव का आगे का रणनीति क्या होगा? इस समिति का रणनीति यही होगी कि हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को 1932 खतियान को लेकर के समझाने का प्रयास करेंगे और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप अपना परिचय दें। मैं विकास कुमार उर्फ मिथिलेश बड़का गांव से हूं और मुझे कोई आवश्यक नहीं था क्योंकि मैं एक साधारण सा एक विद्यार्थी हूं, है ना, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते हमें बहुत पीड़ा है ना कि आज हम पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन हमें जिस प्रकार के अधिकार होने चाहिए मिलनी चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पावे। जिसके दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।